सोमवार को गाजीपुर में वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे लोगों का मनोबल एक झटके में टूट गया। प्रशासन ने अंधाऊ स्थित एयरपोर्ट की जमीन पर करीब 8 साल से चल रहे कब्जे को हटाने में सफलता हासिल की है। इस जमीन पर कब्जा कर हॉट मिक्सिंग प्लांट चलाया जा रहा था। जिला प्रशासन की टीम ने न केवल इस प्लांट की मशीनरी को जब्त किया है बल्कि अब केस भी दर्ज किया जाएगा। इस पूरे मामले में ऐसे लोगों का नाम सामने आ रहा है जो कभी मुख्तार अंसारी से भी जुड़े रहे हैं। सोमवार को एसडीएम सदर प्रभाष कुमार ने अपने टीम के साथ बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण को खाली करवाया। एसडीएम सदर ने बताया कि अंधाऊ स्थित एयरपोर्ट की जमीन पर कुछ लोग अपना हॉट मिक्स प्लांट लगाकर कारोबार करते थे। काफी समय से सरकारी जमीन का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण कर रखा गया था। एसडीएम सदर ने बताया कि प्रशासन इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जमीन खाली करने में हुए खर्च को भी वसूलेगी। इस मौके पर सीओ ओजस्वी चावला, कोतवाल धनंजय मिश्रा, तहसीलदार समेत भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद रही। आइए गाजीपुर के एसपी से इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। जनपद गाजीपुर में अंधाऊ के पास सरकारी जमीन पर जो कि एयरपोर्ट के लिए आवंटित थी, लगभग 50 बीघे से अधिक एरिया में, वहां पे सूचना मिली थी राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम को कि अवैध रूप से कब्जा करके कुछ लोग वहां पे हॉट मिक्स प्लांट चला रहे थे। तो इस पे छानबीन की गई तो पता चला कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य रहे भीम सिंह तथा उनके रिश्तेदार राहुल सिंह तथा अन्य ठेकेदार शैलेंद्र सिंह एवं राहुल राय द्वारा वहां पर पिछले आठ वर्षों से अधिक समय से हॉट मिक्स प्लांट बड़े बड़े मशीनें लगा करके की जा रही। इस पर आज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच करके उस सरकारी जमीन को खाली कराया तथा जो वहां पर मशीनरी थी उनको सील किया गया। और उसके बाद राजस्व विभाग की तहरीर पर जनपद कोतवाली नगर में जनपद गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत करके जो इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे उनमें इन्वेस्टिगेशन करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी आप एसपी को सुन रहे थे जो इस मामले में आरोपी लोगों और अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा दे रहे थे। आपको बता दें कि इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में क्षेत्राधिकारी सदर, कोतवाल और तहसीलदार गाजीपुर की पूरी टीम लगी रही। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के परिजनों और उनसे जुड़े लोगों के हथियारों को लेकर भी कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी के एक पुराने सहयोगी ने 2014 से ही हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया था। मुख्तार अंसारी की पत्नी व उनके भाइयों द्वारा हथियार लाइसेंस पर बार बार हथियार खरीदने व बेचने का विवरण व कारतूसों का विवरण देने के लिए भी नोटिस दिया गया है। आइए सुनते हैं कि इस मामले में एसपी क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जनपद में जो शासन के निर्देश पर शस्त्रों के सत्यापन का अभियान चल रहा है उसके क्रम में इसी गैंग के मुख्तार अंसारी गैंग के कुछ लगभग 14 लोगों के शस्त्र निरस्त करा करके जमा कराए जा चुके हैं और 7 लोगों के शस्त्र जिनके कारतूसों के क्रय में तथा उससे संबंधित जो आमसेट की अहर्ताएँ थी पूरी ना कर पाने के संदर्भ में निलंबन की कार्रवाई की जा रही। शस्त्र के निलंबन करके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही, उनके भी शस्त्र जमा कराए जाने की कार्रवाई की जा रही। इसके अलावा जनपद गाजीपुर के भावरकोल में इन्हीं इसी गैंग के एक पुराने सहयोगी रहे के खिलाफ जो है ये 2 शस्त्र मिले हैं जो वर्ष 2014 से उसको रिन्यू नहीं कराया गया था। उनमें वेबले की इंग्लिश रिवॉल्वर है और एक मेड इन इंग्लैंड DBBL है, इसको कब्जे पुलिस में लेकर के इसमें आर्म्स एक्ट की उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इस संदर्भ में भी सतत छानबीन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मुख्तार अंसारी के फैमिली मेंबर्स, उनके भाई और उनकी पत्नी के जो शस्त्र थे उन लाइसेंसों पे कई बार शस्त्र खरीदे जाने और बेचे जाने संबंधी अनियमितताएं पाई गई। इस संदर्भ में जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा नोटिस इन लोगों को निर्गत कर दी गई है। नोटिस का जवाब प्राप्त होते ही तत्काल इनको नोटिस सर्व कराई जा रही है। प्राप्त करते ही तथा इसमें अन्य जो अनियमितताएं बरती गई हैं उसकी
जांच करके इनके भी शस्त्रों के संदर्भ में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बार दोनों ही प्रकरण में पुलिस प्रशासन की सख्ती साफ दिख रही है। प्रशासन ने ताबड़तोड़ मुख्तार अंसारी के पूरे नेटवर्क पर चौतरफा दबाव बना दिया है। गाजीपुर की और भी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।